YouTube फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। अभी लगभग 11 बज गए हैं और मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और गाइस, खिचड़ी किस किस ने बना ली है? अभी तो मैंने नहीं बनाई है, अब मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने। और गाइस, लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है। फाइनली मैंने कैप भी लगा ली है, नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। और गोल वाले ये तो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और जो जो बनाऊंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आप सब लोग मुझे खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग किचन में। मैं अपने किचन में आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने। जो जो मैं बनाऊंगी आप सबको दिखाऊंगी। तो फाइनली गाइज, अब मैं रेडी करती हूँ अपने स्पेशल गोल गोल वाले। ये तो आपको मेरे ब्लॉग में देख, आपको तो पता ही चल गया होगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति के अवसर पर। ये देखिए गाइस, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए गाइस, कितना गाढ़ा दही मैंने फेंटा है और इसको मैंने रेडी करके रख लिया है। और इधर मैंने बेसन में भी अच्छे से इसको फेंट के रख लिया है। बेसन में मैंने सादा नमक, हींग और बेसन डाला है, अच्छे से फेंट के रख दिया है, जिससे हमारी फुलौरी काफ़ी गुलगुली टाइप की होंगी गाइस। और इधर मेरा उड़द भी मैंने अच्छे से धुल के रख दिया है। रात में मैंने उड़द को भिगो दिया था, अभी मैंने इसको अच्छे से धुल के रख दिया है। अब इसको पीसेंगे गाइस। तो इसमें डालने के लिए मिर्चा भी हो गया है, अदरक भी हो गया है, बारीक मैंने काट लिया है और ये अच्छे से कट गया है। इसको अच्छे से पीसने के बाद ये आला मिर्चा और अदरक और हींग और नमक डाल के अच्छे से फेंट के तवा बड़ा बनाएंगे गाइस। और दही में डालने के लिए मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें खड़ा धनिया है, जीरा है, सौंफ है, हींग है और काली मिर्च है। और काला नमक, सादा नमक तो बाद में पड़ेगा, इसको मैं भी अच्छे से पीसने के लिए भी पीसना है गाइस। और इधर मेरा हींग भी मैंने घोल के रख दिया है। हींग मैंने इस वजह से घोला है क्योंकि हींग घोल के रखो तो डालो तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारे यहाँ 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनाई जा रही है। आप सब क्या कब मनाई गई है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो खिचड़ी नहीं बनी, अभी लगभग 11 बज गए हैं, तो अभी मैं खिचड़ी बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी आप सब लोग दही बड़े कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस, मैं अब इसको पीस के आप सबसे मिलती हूँ। गाइस, आप लोग देखिए बढ़िया भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। इधर देखिए मम्मी बढ़िया बना भी चुकी हैं, निकाल रही हैं ये दही बड़े में डालने के लिए बना रही हैं। और इधर मेरे दही मतलब रेडी हो गया है। मसाले मैंने जो आपको दिखाए थे पीस के इसमें डाल दिया है। और ये खड़ा धनिया है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, काला नमक है, ये डाल के मैंने इसको रेडी कर दिया है। और बनी हुई फुलौरी मम्मी इसमें डालेंगी। और फाइनली मेरा इधर उड़द भी रेडी हो गई है। अच्छे से मैंने इसको दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है क्योंकि इसके दही बड़े बनेंगे गाइस। और मटेरियल भी मेरा कट गया है। और इधर ये मम्मी देखिए ऐसे ऐसे चुआ रही है। ऐसे कौन कौन कर लेता है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और फुलौरी दही बड़े में किस किस को पसंद है गाइस, ये देखिए गाइस। और जब ये पूरा बन जाता है तो आप सबको दिखा, ये देखिए गाइस, मम्मी ने इसमें डाल दिया है, फुलौरी को इसमें डाल दिया है। फाइनली फुलौरी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए गाइस कितनी, अभी ये फूल जाएगी तो और ही अच्छी लगेगी। लोग ने देखा मम्मी ने पीसी हुई धोई को, जो कि मैंने अभी दरदराज को पीसा था, इसमें धनिया भी डाल चुकी हैं, हरा मिर्चा भी डाल चुकी हैं, अदरक भी डाल चुकी हैं, हींग भी डाल चुकी हैं, नमक डाल रही हैं। अच्छे से इसको फेंट लेंगी और फेंटने के बाद गोल गोल से बड़े बना के उस तेल में डालेंगी। आप सब लोग बड़े कैसे बनाते हो? हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर दही बड़े हैं, खिचड़ी है, चटनी है, हरी धनिया चटनी है और सलाद है, ये सब खाया जाता है। और आप सब गाइस दही बड़े बना के आप सबको दिखा। देखिए दही बड़े मतलब स्टार्ट भी हो गए हैं, बड़ा ऐसे बना रही हैं मम्मी। आप तेल में इसको डाल दी हैं, आप सुनहरा ब्राउन तक इसको अच्छे से भूनेंगी। ये देखिए गाइस कैसे पानी लगा लगा के गोल गोल सा बना रही हैं। और दही बड़े हमारे घर में सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। ये देखिए गाइस डाल चुकी हैं मम्मी। ये देखिए गाइस, जब ये पूरे बन जाते हैं तब आप सब लोगों को मैं दिखा। देखिए बड़ा बनना शुरू भी हो गए हैं और मम्मी घानी घान डाल रही हैं, एक घान में 6-6 बड़े मतलब डाल रही हैं। और धीमी आंच में इसको पका रही हैं क्योंकि अंदर से कच्चा ना लगे, क्योंकि कच्चा जब लगता है तो बड़े का टेस्ट थोड़ा कम आता है। और धीमी आंच में पका रही हैं गाइस। और इतना अभी बचा है बनाने को। और ये देखिए कैसे पानी लगा लगा के गोल सा शेप दे रही हैं मम्मी। ये देखिए गाइस, हमारे के दही बड़ा ऐसे ही बनाए जाते हैं और कुछ तो बन के रेडी भी हो गए हैं गोल गोल से। तो इनको देखिए गाइस दही में डाल दी है मम्मी। ये देखिए गाइस, अब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो
खाने में बहुत ही मजा आएगी। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो स्पून मतलब चम्मच से काफी सॉफ्ट कटेंगे। और इसको तो मैंने रात में भिगो के रख दिया था, जो कि मैंने आप सबको वीडियो में बताया। और इधर इतना बाकी है और इधर मम्मी बना रही है। जब पूरे रेडी हो जाते हैं तब आप सबको दिखाते हैं। फाइनली गाइस इतना मटेरियल बचा है और गाइस दही बड़े भी लगभग बन के रेडी होने वाले हैं। और खिचड़ी मैंने अच्छे से बीन ली है। पहले तो चावल को अच्छे से बीन लिया था और उड़द की दाल को भी अच्छे से बीन के दोनों को मिक्स कर दिया है। और थोड़ा बहुत तो निकाल के रख दिया है गरीबों में दान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान भी किया जाता है। आप सबकी तरफ भी किया जाता होगा गरीबों को दान। जैसे खिचड़ी है, आलू है, प्याज है, हल्दी है, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में गरीबों को दान किया जाता है। जब हमारे दौर पर कोई गरीब आता है उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो फाइनली मेरा ये रेडी हो गया है। तो इतनी सारी गाइस खिचड़ी बन रही है, नहीं अभी इतनी से तो हाफ कर लूंगी, क्योंकि इतनी तो बहुत ज्यादा बनेगी, इतने तो लोग भी नहीं खाने वाले घर में। और इधर मैंने कुकर में पानी भी चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं खिचड़ी कुकर में ही बनाती हूँ और प्रेशर नहीं लगाऊंगी, बिना ऐसे ही बनाऊंगी, भगोने में नहीं बनाती हूँ। तो खिचड़ी मतलब पानी चढ़ा दिया है, अभी अच्छे से बलक के और चावल को अच्छे से धुल के इसमें डाल देंगे। लास्ट में इसमें नमक डालेंगे। गाइस इस चटनी का मटेरियल भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें हरी धनिया भी मैंने अच्छे से धुल के काट ली है और मिर्चा भी हो गया है गाइस। और लहसुन के हरे पत्ते जो कि हमारे किचन गार्डन में लगे हैं, आप सबने तो देखा ही होगा मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन गार्डन। और ये टमाटर भी मैंने अच्छे से धुल के रेडी कर लिया है। इसमें मैं हरी धनिया की चटनी बाटूंगी और टमाटर की चटनी भी बाटूंगी गाइस। सिलबट्टे भी नहीं बाटूंगी, ग्राइंडर में बाट लूंगी, क्योंकि सिलबट्टे में बहुत ही टाइम लगता है और ठंडी है तो ग्राइंडर में ही कर लूंगी। और खिचड़ी भी मैंने अच्छे से धुल के रख दी है और अदहन भी मेरा लगभग होने वाला है, मतलब जो पानी चढ़ाया था वो भी मेरा होने वाला है। तो ये देखिए गाइस हो गया है गर्मा गर्म, मतलब भाप भी निकल रही है और ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें मैं जो धुला हुआ मतलब खिचड़ी है उसको मैं इसमें डाल दूंगी और नमक भी डालूंगी। और फाइनली मिले दही बड़े भी रेडी हो गए हैं। फुलौरी ये रेडी हो गई है, गोल गोल दही बड़े ये देखिए गाइस रेडी हो रहे हैं, हो गए हैं। जिस जिसको खाना है जल्दी से घर पे मेरे आ जाइए, आप सबको मैं खिलाती हूँ। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी है, चटनी है, सलाद है, दही बड़े हैं, अचार है। और इधर मेरे सूखे वाले भी रेडी हो गए हैं। देखिए गाइस इसको मैंने चाय के साथ मतलब खाने के रख दिया है, जैसे कोई कोई चाय के साथ पसंद करता है तो ये मैंने चाय के साथ रख दिया है। और इधर मेरे दही बड़े रेडी हो गए हैं। खिचड़ी को मैं डाल देती हूँ और चटनी को मैं पीस लेती हूँ, तब आप सब लोगों से मिलती हूँ। मेरी खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। देखिए गाइस कितनी भाप निकल रही है, ऐसी खिचड़ी बनाई है। और अब तड़का नहीं लगाया है, सादी वाली खिचड़ी दही के साथ और खाने के लिए। आप सब भी आओ साथ में खाते हैं खिचड़ी। और इधर मैंने प्लेटिंग भी तैयार कर ली है, ये आप लोगों के लिए थाली है घी वाली खिचड़ी, देखिए गाइस। और ये है मम्मी की थाली और ये पापा की थाली, घी वाली खिचड़ी बनाई है गाइस। और इधर नींबू है, प्याज है, मूली है और टमाटर है, सलाद हो गया है। ये टमाटर की चटनी है, ये हरी धनिया की चटनी है और ये दही बड़े हैं और ये है मिर्चा जो कि मैंने कल बनाया था। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मिर्चे का अचार, तो मैं आप सबको इसका एक स्पेशल ब्लॉग बना के दूंगी। ये मिर्चा बहुत ही टेस्टी, लाल वाले मिर्चा जो मार्केट में मिलते हैं वही वाले मिर्चा हैं गाइस, मैंने कल बनाया था। आप सबको इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और मैंने मिर्चे भी दो निकाल लिए हैं, इतने तो किचन में रख दूंगी, इतने तो खाने के लिए लेके जाऊंगी। फाइनली मेरी मतलब दोपहर का लंच रेडी हो गया है और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। आप सब लोग भी आइए जल्दी से खाते हैं। गाइस मेरा खाना बनके रेडी हो गया है। तो आज मैंने दही बड़ा बनाया था और टमाटर की चटनी बनाई थी, हरी धनिया चटनी बनाई थी और दही बड़े बनाए थे, तो आप सबके साथ शेयर किया। तो आप सब लोग को कैसा लगा और फैमिली खिचड़ी आप सब भी खाइएगा, प्यार से आप सब लोगों ने बनाई है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।